नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। पहला मुकाबला खेला गया रांची में, दूसरा मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ में और तीसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें पहुंचेंगी अहमदाबाद। अब पहला मुकाबला हुआ रांची में, जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा। 21 रन से न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। पहले गेंदबाजों ने निराश किया और उसके बाद बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम दमखम नहीं दिखा पाई और 21 रनों से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। तब यह कहा जा रहा था कि शायद प्लेइंग 11 ठीक नहीं है या फिर हार्दिक पांड्या के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। क्या गेंदबाजों ने जो बुरा प्रदर्शन दिखाया उसकी वजह से न्यूजीलैंड 176 के स्कोर तक पहुंच गई और 177 के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 21 रन दूर रह गई इस लक्ष्य को भेदने में, जिसकी वजह से सीरीज में हम 0-1 से पिछड़ गए हैं। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि जो खिलाड़ियों पर उम्मीद जताई थी उन्होंने ही प्रदर्शन नहीं किया, चाहे फैंटेसी 11 की बात हो, अलग अलग फैंटेसी लीग्स की बात हो, उस पर भी आप लोग जो खिलाड़ी चुनते होंगे उसमें भी आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी होगी क्योंकि भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसे में आप लोग सोच रहे होंगे कि अब जो फैंटेसी टीम बनाए उसमें किन किन खिलाड़ियों को लें, उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नजर डाल लेते हैं शेड्यूल पर कि इस पूरी सीरीज का शेड्यूल क्या है। पहला T20 मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 रनों से न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया, रांची में खेला गया। दूसरा मुकाबला 29 जनवरी काना स्टेडियम में खेला जाएगा लखनऊ में और तीसरा मुकाबला 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो बदलाव में विश्वास नहीं रखते। ऐसे में संभावित प्लेइंग 11 पिछले मुकाबले जैसी ही रहने की उम्मीद है। शुभमन गिल, ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, शिवम मावी, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह। अब अगर दूसरे T20 की फैंटेसी टिप्स की बात करें तो आप किन किन खिलाड़ियों को चुन सकते हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। कीपर्स की मैं बात करूं तो आपको डेविन कॉनवॉय और ईशान किशन दोनों को ही रखना चाहिए। बल्लेबाजों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, डेरल मिचल और शुभमन गिल को आप रख सकते हैं। शुभमन गिल को आप कप्तान भी बना सकते हैं क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में शुभमन गिल चल रहे हैं आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है शुभमन गिल को। अगर आप ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो माइकल ब्रेसवेल को आप रख सकते हैं, मिचेल सेंटनर, दोनों ही जो ऑलराउंडर्स हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप उपकप्तान बना सकते हैं क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को भी आप रखें क्योंकि ऑलराउंडर्स में ये चार आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से लॉकी फर्ग्यूसन को आप अपनी फैंटेसी टीम में रख सकते हैं। तो ये थी, आप अगर फैंटेसी टीम बना रहे हैं तो आप इन इन खिलाड़ियों को चुनकर बना सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, एक प्रेडिक्शन है कि ये खिलाड़ी चल सकते हैं और आपको मुनाफा दे सकते हैं। हालांकि टॉस पर भी नजर बनाए रखिए क्योंकि अगर प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होता है तो आप उस हिसाब से भी अपनी फैंटेसी टीम में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपके मन में और कोई खिलाड़ी है जिसको आप चाहते हैं कि फैंटेसी टीम में रखें और आप और भी दर्शकों को बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी फैंटेसी 11 टीम क्या हो सकती है। कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए और इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।